आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 3 pi, then find the value of x plus y plus z. Here, four options are also given. हमें given है question, cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z, इसकी value हमें given है 3 pi. First thing हमें पता है, जो cos inverse x की value होती है, वो lie करती है, cos inverse x की value ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है और स्मॉलर देन इक्वल टू पाई होती है। इसका मतलब ये है, जो कॉज इनवर्स है उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो पाई पे होगी और वो सेटिस्फाई करेगी इस गिवन इक्वेशन को। सो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कॉस पाई इक्वल टू माइनस वन। इसी तरीके से वाई इक्वल टू ऑल्सो हम कह सकते हैं कॉस पाई विच इज माइनस वन एंड जेड इज ऑल्सो कॉस पाई माइनस वन। तो हम मेंशन भी कर सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज पाई विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो इट मींस हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसे पुट कर देंगे। हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। वैल्यू ऑफ x इज माइनस वन, वैल्यू ऑफ z इज माइनस वन, y इज माइनस वन एंड z इज, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस वन माइनस वन माइनस वन। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी माइनस थ्री। सो हम कह सकते हैं माइनस थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।